अच्छा ये एक तो इनकी किस्से कहानियां सुन के एक चीज बड़ी सीखने वाली है कि कभी कभी हम लोग ना क्रोध में आके या कोई भी क्राइम हो वो चाहे चोरी चकारी किसी ने करी हो उस वजह से जेल में है वो होता एक दो पल का ही है शायद एक दो तीन चार सेकंड मैक्सिमम है ना अगर उस समय आपने संयम रख लिया कंट्रोल कर लिया तो इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं क्योंकि आप तो चले गए उसके पीछे परिवार का क्या हाल होता है और ये एक्चुअली इमोशनल किस्से भी हैं सो हम लोग थोड़े अपने लेवल वाली बातें करते हैं जब इस फिल्म में चौधरी साहब को जेल हो जाती है तो बीवी को बना देते हैं सीएम उसके बाद बीवी के मन में आ जाता है लालच कि अब तो मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं अरे ये कहानी आपको सुनी सुनी सी नहीं लग रही मतलब मैं अब मैं मान गया हूं अब खामखा लोग आपको आके पंच मारते हैं यहाँ पे वो अपने पति के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रही आप किसी के पति के लिए क्यों छोड़ यू आर राइट प्लीज स्टे देयर तेरा भी जवाब नहीं तू कहाँ कहाँ से मेरे से कोई ताल्लुक रखता हुआ कुछ मुद्दा ढूंढ लाता है बस निमृत क्यों होता है ऐसा इंसान के मन क्यों बदल जाता है ये मैं उसी को किस्सा कुर्सी का कहते हैं शायद इंसान है ना इंसान है मन है मन तो बदलने के लिए बनाया होता है अच्छा नहीं अच्छा ये जो आपने रियल कैदियों के साथ शूट किया जो जेल प्रशासन था उनको डर नहीं लगा कि कहीं एक्ट्रेस के भेस में कैदी भी निकल जाएं ले कई कई एक्टर ऐसे होते हैं जो कैदी जैसे लगते हैं कई नहीं मतलब होता ना कि लुक में अब आपके साथ जो एक्टर एक्टिंग कर रहे होंगे एक्टर ही है ना पर जेल वाले कपड़े पहने तो कैदी तो लगेंगे किसी की याद आ नहीं होता क्या था कि अगर सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी तो हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता था अच्छा और वो पूरा बायोमेट्रिक सिग्नेचर वो सब लेते अच्छा। थे फिर एक स्टैंप देते थे ओके हर एक क्रू मेंबर को एक स्टैंप लगता था और जब बाहर निकलते हैं शाम को बीच में निकल नहीं सकते अच्छा तो शाम को जब पैकअप के बाद निकलें तो वो स्टैंप दिखाएं फिर उन्हें बाहर जाने को अलाउ करें ऑलमोस्ट आप भी अंदर ही थे फिर जेल में हाँ होल डे लेकिन कई बार अक्सर ऐसे हुआ कि सब पूरी यूनिट निकल रही है कोई क्रेन वाला कोई ये वाला सडनली यू हियर सम कमोशन क्या हुआ ऐसे 2-3 कह दिए ऐसे ही चलो भाई चलो चलो रोज रोज कोशिश करते थे सबके सब पकड़े जाते थे लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि वहां की जो अथॉरिटीज हैं दे वर फैंटास्टिक कपिल पाजी ऑब्वियसली मतलब माने उन्हें डर नहीं लग रहा था लेकिन हम लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि अभी जो कुछ भी है आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस मैं तो कभी इन दोनों भी शायद कभी जेल के अंदर तो गए नहीं है और हम भी नहीं गए क्या पता है हम भी नहीं गए भाई हम क्या पता क्या पता तो सब लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा कैसे होगा एक दो दिन के बाद सब लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे They were very, very disciplined. अच्छा लग रहा था। पर ये एक और हमने बात सुनी है सर कहते हैं कि जब आप आगरा की जेल में शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया कि हम भी 10वीं का एग्जाम देंगे ऐसा हमने सुना है जी, सुना। जी इट्स ट्रू करीबन अच्छा। 20 कैदी जो है उन्होंने ये तय कर लिया था कि क्योंकि कहानी तो उनको पता चल गया था तो उन्होंने हमारे निकलने के बाद ये तय कर दिया कि हम लोग भी 10वीं देंगे पढ़ाई किया इस बार जब हम लोग वापस गए उन 20 में से 10 या 12 पास भी हो गए क्या बात है बड़ी अच्छी बात है एक सवाल मेरा आप तीनों से है ये 10वीं फिल्म करने में ज्यादा मेहनत लगी कि रियल लाइफ में जो 10वीं करी थी उसमें ज्यादा मेहनत लगी थी मजा तो 10वीं फिल्म करने में ज्यादा आया अच्छा मेहनत तो दोनों तरफ लगी क्योंकि जब 10वीं क्लास के एग्जाम आते हैं ना सडनली घर वालों का पड़ोसियों का रिश्तेदारों का बोर्ड के एग्जाम है बोर्ड के एग्जाम है बात ही नहीं करना चाहते डराते बड़ा है टाइम मत वेस्ट करो जाओ अंदर घर में पढ़ो हां पढ़ते जाओ 10वीं पढ़ लो मैं तो मुझे लगता है ऐसा फील होता है स्कूल में कि आपका जन्म ही 10वीं के लिए हुआ है मतलब राइट फ्रॉम यू नो 6 स्टैंडर्ड 3 साल 3 इयर्स टू गो 7 2 साल 1 एंड देयर 10th तो मुझे लगता है बहुत बहुत घबराहट होती है बट फॉर सम रीजन मेरी 10वीं बहुत अच्छी गई 9th बड़ी मुश्किल थी क्यों मुझे लगता है पूरा भार उन्होंने 10वीं का 9th पर डाल दिया था आई थिंक 9th में जान निकल गई थी तो 10th बहुत अच्छी लगी आपको भाई नहीं मुझे पिक्चर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी
जवाब मिल गया ना मेरे 10 के एग्जाम कैसे गए पर एक, 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 एक कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट होते हैं ना कौन कौन से फेवरेट थे आपके हिस्ट्री बायोलॉजी एकदम आर्ट्स और साइंस मिक्स हैं मैं तो जैसे ही 10+1 में आया मैंने कहा साइंस और मैथ साइड पे कर दो नहीं मतलब क्यों हमें दिमाग खराब करना ना वो हिस्ट्री मुझे भी अच्छी लगती थी मुझे बड़ा होकर पता चला कि मुझे कहानियां पढ़नी अच्छी लगती हैं इसलिए शायद हिस्ट्री अच्छी लगती थी भाई आपका क्या फेवरेट था ड्रामा दसवीं में ड्रामा होता था जी, मेरे स्कूल अच्छा महंगे स्कूल में ये याद इनके ड्रामा होता था हमारे तो टीचर नहीं होता था कभी कभी हमारे हमारे स्कूल में ड्रामा और स्पोर्ट्स के लिए भी मार्क्स मिलते थे वाह बट यू वर इन स्विट्जरलैंड राइट जी तो फिर वो में पढ़ने गए थे हम आज तक घूमने नहीं जा पाए वाह भाई आप पढ़े ही स्विट्जरलैंड में हो घूमने कहाँ जाते हो फिर आप मैं बम्बई आता था मुझे बड़ा शौक था घर आए अच्छा। मुझे वो अच्छा लगता था फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़